हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बिजनेस मत्ता पर आपका स्वागत है। एक और न्यू बिजनेस आइडिया के साथ हाजिर हूँ। आज मैं न्यू बिजनेस आइडिया के अंतर्गत कबाड़ के बिजनेस के बारे में जानकारी दे रही हूँ। कबाड़ बिजनेस शुरू करके जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। कबाड़ बिजनेस के तहत बहुत सारे ऑप्शन है, उन्हें कैसे करें इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। कबाड़ के बिजनेस का ध्यान आते ही गली मोहल्ले में सुबह सुबह कबाड़ दे दो की आवाज का पिक्चर आंखों के सामने आता है। यह तो कबाड़ बिजनेस का सबसे छोटा रूप है। कबाड़ बिजनेस आज काफी हाईटेक लेवल में पहुंच गया है। भारत के 5वें नंबर के अमीर वेदांत ग्रुप के अनिल अग्रवाल ने कबाड़ बिजनेस से अपना कारोबार शुरू किया था। पुणे के रहने वाले घोड़ों के व्यापारी हर्षल अली पहले कबाड़ का ही बिजनेस किया करते थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कबाड़ के बिजनेस से अरबों रुपए कमाते हैं। भारत में कबाड़ बिजनेस उन बिजनेसों में से एक है जो बेकार वस्तुओं से लाभ देता है। कबाड़ बिजनेस के बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी ना होने की वजह से वे शुरू नहीं कर पाते हैं, या तो शुरू कर लेते हैं पर आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। कबाड़ बिजनेस को करना चाहते हैं तो इसके बारे में बारीकी से समझना जरूरी है। कबाड़ का बिजनेस कई तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट कस्टमर से माल खरीदना और उन्हें सेलर के पास ले जाकर बेच देना। दूसरा तरीका है सेलर से इकट्ठा अधिक मात्रा में माल खरीदकर ट्रकों में भरकर कंपनी या रिसाइकलिंग यूनिट को बेच देना। और तीसरा तरीका है स्वयं की रिसाइकलिंग यूनिट शुरू करना। कबाड़ खरीदकर आप सेकेंड हैंड माल की शॉप भी शुरू कर सकते हैं। सेकेंड हैंड माल की शॉप शुरू करने के लिए आप उन्हीं कबाड़ को खरीदें जो दोबारा बिकते हैं, जैसे मोटर के स्पेयर पार्ट, फर्नीचर, पुराने कपड़े, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि। अब यह भी जान लें कबाड़ में क्या क्या खरीदा जा सकता है। कबाड़ के रूप में अनेक तरह की चीजें खरीदी जा सकती है, जैसे रद्दी पेपर, गत्ते, लोहा, टीन, कांच, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिक चीजें, फर्नीचर, पंखे, कूलर, लैपटॉप, कंप्यूटर, सीपीयू, कीबोर्ड, पुराने कपड़े आदि। अब आपको ये निश्चित करना है कि आप इनमें से कौन से कबाड़ का बिजनेस करना चाहते हैं। कबाड़ बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा सा प्लान बनाएं। सबसे पहले कबाड़ बिजनेस का चुनाव करें, उसके बाद उसे किस तरह से करना है, कैसे करना है, उस कबाड़ को कहाँ बेचेंगे, अपने लोकल शहर में या दूसरे बड़े शहर में ले जाकर बेचेंगे आदि के बारे में पूरी तैयारी कर ले। बिजनेस शुरू करने के पहले मार्केट के बारे में अच्छे से पता कर ले, जिससे रेट और डिमांड के बारे में भी जानकारी हो। साथ ही जहाँ माल सप्लाई देना चाहते हैं वहाँ के खास पर्सन से मिल ले, ताकि माल खरीदने के बाद सेल की दिक्कत ना हो। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कबाड़ कंपनी भी शुरू हो चुके हैं। उन साइट पर भी विजिट करके उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। कबाड़ बिजनेस शुरू करने के लिए लगने वाले लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में भी जान लें। कबाड़ बिजनेस के लिए गुमस्ता लाइसेंस होना जरूरी है। यदि आप कबाड़ बिजनेस को बड़े स्तर पर करते हैं तो फार्म रजिस्ट्रेशन व GST लाइसेंस की भी आवश्यकता होगी। साथ में पॉल्यूशन एक्ट के अंतर्गत परमिशन लेना होगा। यदि आप कबाड़ का रिसाइकिलिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो कंपनी व फैक्ट्री के तहत अनेक तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। कबाड़ का बिजनेस करना चाहते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। किसी एक चीज के कबाड़ को खरीदने का बिजनेस करें। माल खरीद कर लाने के बाद उसकी छटाई करें। जो रिपेयरिंग होने लायक है उसे रिपेयरिंग करके सेल करें। इससे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। चोरी का कबाड़ ना खरीदें, ये कानूनन अपराध है। ये आपके लिए परेशानदायक हो सकता है। हमेशा ईमानदारी के साथ काम करें, बहुत पैसा कमाएंगे। फ्रेंड्स, कबाड़ बिजनेस के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी न्यू बिजनेस आइडिया के साथ बिजनेस मंत्रा चैनल पर। गुड बाय, टेक केयर।